भैया मैं नहीं चाहता मुझे सपोर्ट करें, मैं जैसे हूँ मुझे ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहना है। हाँ। जब नई नई दुल्हन आती है बहुत लोग देखने आते हैं। हाँ, देखने आते हैं, हैं? हाँ। जब धीरे धीरे उसका घूंघट उड़ जाता है। हाँ। तो कोई देखने नहीं आता। पहले तो आपको लाखों रुपया वगैरह मिला था लोगों से, बेटा लाखों रुपया मिला बेटा हमारे को। फिर वो सब पैसा क्या हुआ, आप तो रेस्टोरेंट वगैरह खोले हुए थे बाबा। अरे भाई पैसा कुछ खर्च भी किए, रखे भी हैं। पर बाबा के साथ में शायद इन्हीं के लोगों ने कांड कर दिया बहुत। हाँ। बड़ा वाला। तो आप लोगों को लगता है कि बाबा के जो बाबा को जिन लोगों ने वायरल कराया वही लोगों ने कांड कर दिया? बिल्कुल चोर अपनों ने मारा है, गैरों में क्या दम था। हाँ। जहाँ किस्ती जहाँ पानी भी कम था, यानी कि बाबा आपको अपनों ही ने धोखा दे दिया। दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देता है और फिर हीरो से जीरो भी बना देता है। इसका जीता जागता उदाहरण बाबा का ढाबा है। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हैं, जहां का बाबा का ढाबा जो है कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे, बहुत सारे लोग इनको पसंद भी किए थे। इसके बाद यहां से इन्होंने रेस्टोरेंट को भी खोला, फिर बाद में पता ना क्या परेशानी आया कि रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा और फिर वापस से ये बाबा को फिर से अपने ढाबा पर आना पड़ा। बाकी हम बाबा से बात करेंगे। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अच्छा ये बताइए कि पहले के तुलना में अगर हम बात करें तो पहले काफ़ी वायरल हुए थे, क्या कुछ बदलाव हुआ है? मेरा बहुत बदल गया। क्या क्या बदलाव हुआ है? मेरा पहले जो है तो भाई जनता ने उठा दी थी। हाँ। हैं? अब भाई पता नहीं क्या हुआ। हाँ। जनता ने फिर गिरा दी। अच्छा पहले जनता जो है उठा दी थी आपको ऊपर आसमान में और अब जनता ने फिर नीचे गिरा दिया, क्यों मतलब ये सब हुआ? अब इसके लिए तो भाई गौरव वासन जाने, यूट्यूब वाले जाने, नहीं क्या पता। तो आपको लगता है कि जिन गौरव वासन ने आपकी तकदीर और तस्वीर बदल दी थी उन्हीं की वजह से जो है आप ऊपर पहुंचे और फिर नीचे आए? फिर नीचे आए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि पहले जो है आपके ढाबा पे आने के बाद एकदम से भीड़ लगा रहा था, अब उतना लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं? थोड़ा पहली बारी बात करते हो। हाँ। जब नई नई दुल्हन आती है बहुत लोग देखने आते हैं। हाँ, देखने आते हैं, हैं? हाँ। जब धीरे धीरे उसका घूंघट उड़ जाता है। हाँ। तो कोई देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। तो वही साहब ये है। अच्छा है? तो नया नया वाल हुआ था। हाँ। तो लोग देखने आते थे। हाँ। अब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है। हाँ। तो भाई पहले लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और जैसे ही समय बीता अब लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। कितना लोगों ने कितना रुपया, पहले तो आपको लाखों रुपया वगैरह मिला था लोगों से? बेटा लाखों रुपया मिला बेटा हमारे को। हाँ। जनता ने दिया था। हाँ। और हम जनता का भारी हैं। फिर वो सब पैसा क्या हुआ, आप तो रेस्टोरेंट वगैरह खोले हुए थे बाबा। अरे भाई पैसा कुछ खर्च भी किए, रखे भी हैं। हाँ, रखे भी हैं और घर परिवार उसे चलता है। हाँ, चलता तो रेस्टोरेंट बीच में खोलना पड़ा था आपको, फिर बंद क्यों हो गया? बंद ये हो गया कि कॉर्नर मार्केट में 5 नंबर दुकान है। हाँ। और वहाँ पर ना तो बोर्ड लगाने जगह था, ना कोई पार्किंग था। देखो सामने जैसे दुकान है। हाँ, गैलरी। हाँ, उसे अंदर जाके दुकान थी। अच्छा दुकान थी। हाँ, तो वहाँ पर बहुत सारा परेशानी हो रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट में स्टाफ वगैरह को भी देना है। हाँ, और महंगा रूम रेंट वगैरह भी होगा ना भाई। 35,000 रुपया, 35,000 रुपया रूम रेंट था किराया। हाँ, था किराया। अरे 1,10,000 रुपया खर्चा आता था। हाँ, और 40-45 रुपया महीना हिसाब होता था। तो उससे क्या हो पाएगा, लॉस में ही बाबा हो बस आगे होंगे ना। अच्छा ये बताइए कि बाबा आपके यहाँ के जो खाना है अभी भी लोग काफी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, हम भी बिहार से आए हुए हैं, आपका खाना खाने के बाद काफी अच्छा भी लगता है, क्या क्या ये खाना बनाते हैं? देखो भैया ये तो चावल है। चावल है तुम्हारे सामने? चावल है। ये चावल है, कौन सा चावल है बाबा? ये भैया देहरादून। हाँ, ये चावल है, देहरादून का चावल है। और हाँ, ये हाँ, ये भैया ये देखिए ये कढ़ाई पनीर है। ये कढ़ाई पनीर है। हाँ, कमाल का, आप देख सकते हैं कि इसका रेसिपी है। हाँ, और ये जो है दाल है, ये दाल है। हाँ जी, और आगे जो है। हाँ, ये आलू जीरा की सूखी सब्जी है। अच्छा आलू जीरा के, इतना अच्छा खाना आप बनाते हैं ना, ये सारा चीज आप अकेले ही करते हैं क्या बाबा जी? ये मैं अकेले बनाता हूँ। अकेले बनाते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये सब खाना जो है लोग खाना यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं कि रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं? ये देखो अपना अपना विचार है। हाँ। अब भाई बड़े आदमी पटरी पाते उनको शर्म आती है। हाँ। उससे रेस्टोरेंट जाएंगे, बड़े आदमी नहीं आते हैं दुकान में भाई, उनको शर्म आएगी पटरी पर खा रहे हैं। अच्छा कितने साल के बाबा आप हैं? बेटा हमारा जो है 1940 में जन्म हुआ है। हाँ, तो यानी कि आप 82 साल के हैं। तो 82 साल की उम्र में हम बाकी लोगों को देखते हैं कि वो बैठ के खाना खाते हैं, बेटा जो है वो काम करते हैं, घर पे ही रहते हैं, आप इतना मेहनत करते हैं।
मतलब अगर मेहनत करेंगे चलते रहेंगे तो बचे रहेंगे, बैठ जाएंगे तो चले जाएंगे। लगते हैं बीच में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बाबा जब वायरल हुए थे तो उस समय बाबा का घमंड हो गया था, बाबा ने गौरव वासन पर केस कर दिया। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जी, है कि भाई तुम्हारे सामने देख हमें कितना हमारे पास घमंड है, आप देख ही रहे हो। बहुत से लोग कहते थे बाबा कुत्ते घिने हजम होता तो भले पिला के देखो। बहुत से लोग कहते बाबा चोर हैं, ये भी बोल रहा है। बहुत से लोग क्या क्या बोले हैं, हम तो कहते हैं भगवान इनका भला करो, धन्यवाद, खुश रहें। अच्छा तो बाबा अब आगे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खोलेंगे क्या? नहीं भैया, जो खोलना था खोलिए, हमारा यही बढ़िया है। अच्छा बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ कमेंट भी करते हैं कि बाबा के ढाबा आखिर वायरल इतना फेमस होने के बाद वहाँ पहले जैसा क्यों पहुँच गए पहले जहाँ? पहले वाली बात यह है कि जब भाई कुछ लोग तो बोले खाना खराब है, एक बार देखो कि बोले से मैगी खराब है, हैं? अगर मैगी खराब है तो तूने खाया क्यों? अगर खाता मर जाता उसका क्या होता? कोई खाना खाया उसी खाना खराब बता रहा था। तो अभी बाबा आप रहते कहाँ हैं यहाँ पे? हम जहाँ पहले रहते आज वहीं पर रह रहे हैं। वहीं पे रहते हैं ना, बस वो ढाबा जो है पहले जो था फिर वहीं पर आप आ गए ना? भैया पहले यहीं पर था और आज भी यहीं पर हैं। और हमेशा यहीं पर रहेगा? यहीं पर रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा जो है आपको देखने को मिलेगा, और अभी भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। लेकिन पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो अभी बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ भैया। राजस्थान से आए हैं, बाबा के ढाबा के बारे में जानते हैं? बिल्कुल श्योर, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, जब से गौरव वाला कांड हुआ है तब से खाना खाने के लिए राजस्थान से आ गए हैं आप? बिल्कुल राजस्थान से आ गए हम। अच्छा, पहले के तुलना में बाबा का ढाबा जो है काफी बदला हुआ है, पहले वायरल हुए फिर वहीं पहुँच गए, क्या कहेंगे? बाबा की मर्जी थी, बाबा अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते तो मेरे हिसाब से बहुत आगे निकल सकते थे, बहुत आगे निकल सकते थे। पर बाबा के साथ में शायद इन्हीं के लोगों ने कांड कर दिया बहुत बड़ा वाला। तो आप लोगों को लगता है कि बाबा के जो बाबा को जिन लोगों ने वायरल कराया वही लोगों ने कांड कर दिया? बिल्कुल श्योर, ये सामने आया, यही कारण आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा है और साथ में उनकी पत्नी भी जो है वो भी रहती है। चाची नमस्कार। नमस्कार भैया। अच्छा ये बताइए कि पहले जो है बाबा का ढाबा काफी वायरल हुआ था, अभी क्या कुछ बदलाव हुआ है? अब पता नहीं है भाई। अभी लोग आते हैं कि नहीं पहले जैसा? आते हैं, क्यों नहीं आते। कितनी साल की आप हैं? 80। 80 साल की और बाबा जो है 82 साल के हैं, और दोनों लोग मिलकर अभी भी इतना उम्र हो जाने के बाद भी मेहनत करते हैं। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए कि अभी के समय में ये लोग कहीं ना कहीं बुजुर्ग अवस्था में हैं जहां इन लोगों को आराम करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी ये लोग काम करते हैं, और ये बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश भी है। बाकी बाबा से भी हम बात करेंगे। बाबा यहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाबा के अपने ही लोगों ने बाबा को धोखा दिया जिसके बाद बाबा को फिर से अपना ढाबा में आना पड़ा। बेटा अपनों ने मारा है गर्म क्या दम था, हाँ, जहाँ किस्ती डूबी जहाँ पानी भी कम था। पानी कम था, हाँ, सही कह रहे हो बाबा। तो यानी कि बाबा आपको अपनों ही ने धोखा दे दिया, हाँ? अच्छा ये बताइए कि अभी आपके मतलब कभी कभी आप भावुक भी हो जाते हैं क्योंकि इतना उम्र हो जाने के बाद भी इतना मेहनत करते हैं? हाँ जी। हाँ भाई हमारा तो ये कर्म है, हम तो कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। फल देने वाला ऊपर वाला है। क्या लगता है एक बार फिर से आपको लोग सपोर्ट करेंगे? भैया मैं नहीं चाहता मुझे सपोर्ट करें, मुझे ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहना है। हाँ। चलिए बाबा आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हम दिल्ली के मालवीय नगर में हैं जहाँ पर ये बाबा का ढाबा है, और यहाँ पर खाने के लिए आप देख सकते हैं कि राजस्थान हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, तमाम राज्य से लोग आते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो काम करने वाले हैं। बाबा का ढाबा को जानते हैं आप लोग? हाँ, हम तो सुना है जी। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? भाई क्या बताएं, बाबा सही कह रहे हैं कि इनको अपनों ने लूटा, बाबा को अपनों ही ने लूट लिया है। वो राइट बात है, ये आप लोग भी बात मानते हैं? इस बात को हम भी मानते हैं। किसी टाइम पर इस ढाबे पे बहुत भीड़ लगती थी, लम्बन भी नहीं आता था खाने का। उस टाइम पे मैया रानी ने या इनके भगवान ने सुनी, इनकी पुकार सुनी, उस टाइम पे जैसे लोगों को महसूस हुआ कि हाँ हकीकत में कुछ है। तो ये बात आप लोग मानते हैं? टाइम टाइम की बात होते हैं। पहले तो उतना दुकान था नहीं, इनका दुकान था तो इन्हीं के दुकान पर लोग खाना खाने लगाते थे,
अब ज्यादा दुकान हो गए तब थोड़ा इधर बहुत सारा दुकान भी हो गया ना, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। बाकी अगर आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं तो मालवीय नगर में बाबा का ढाबा है, यहाँ पर आके आप लोग खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खाना है एकदम घर जैसा पारिवारिक खाना मिलता है, जैसे में मटर पनीर हो गया, चावल दाल हो गया, पराठा हो गया, ये सारा चीज़ मिलता है क्या बाबा? सब मिलता है ना, एकदम घर जैसा खाना। तो बाकी आप लोग यहाँ अगर चाहते हैं तो आ सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, बाबा के ढाबा से मिल भी सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।